गाइस वेलकम ऑन मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स। आपके अपने मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स पर आपका स्वागत है। आज हम जो है सबसे पहले तो आप लोगों को विश करते हैं कि आप लोगों का AIBE का एग्जाम पास हो जाए और आप लोग इंटाइटल टू प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट लेने में कामयाब। सभी को बेस्ट विशेष। और अब हमें उस जो 10 दिसंबर 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए डाल रहे हैं। वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखना। 100% करेक्ट सॉल्यूशन है, बेशक लेट है, लेकिन इसको आप AIBE की फाइनल आंसर की समझ के देख। और आप जो पेपर करके आए हो उसमें अपना मिला के देख लेना आपका कितना स्कोर आ रहा है। और हम आपको लास्ट में आंसर की भी प्रोवाइड कराएंगे और किस क्वेश्चन का आपने ऑब्जेक्शन फाइल करना है वो भी बताएंगे। ओके, जो AIBE की आंसर की है उसमें कुछ त्रुटियां हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये जो सेट सी लिया है हमने @LegalHelp से, चैनल है यूट्यूब का, उनका हमने सॉल्यूशन देखा, लेकिन उसमें हमें काफी त्रुटियां लगी। 15 क्वेश्चन में जो है उन्होंने गलत ऑप्शन को टिक कर रखा है और हमारे पास जो सेट सी कहीं से अवेलेबल नहीं हुआ, तो हमने सोचा सेट सी को ही सॉल्व किया जाए ताकि जिन बच्चों ने ये वीडियो देखी होगी वो अपनी ऑप्शनें करेक्ट कर लें। ये 100% करेक्ट आंसर्स हैं और लेट ही से ही, लेकिन काफी एग्जामिनेशन चेक करके एक्ट से, लीगल बुक से, उसके बाद ये सॉल्यूशन हमने तैयार किया। आइए शुरू करते हैं आज का ये सेट सी का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एज पर द आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट 1996। इसकी राइट ऑप्शन है ए। ये क्योंकि एक्सप्लेनेशन का क्लास नहीं है, इसमें खाली आपको करेक्ट आंसर बताने हैं, इसलिए हम इसमें ज्यादा डिटेल बता के वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस एन आर्बिट्रेटर मे नॉट बी चैलेंज्ड एज पर द आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट 1996। यानी इस कंसाइलेशन एक्ट 1996 के अनुसार जो है कौन सी सर्कमस्टांसिस जो है आर्बिट्रेटर को चैलेंज करने के लिए नहीं है। इसकी राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हैं, ये इनकी ऑप्शनें गलत हैं चैलेंज वालों की, इनको मैंने करेक्ट कर दिया है। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। व्हेन मे टू पर्संस टू बी सेट टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय हाफ ब्लड इन अकॉर्डेंस विद द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। में माइनर सा डिफरेंस होता है उसको हमने बड़ी केयरफुली अटेम्प्ट करना। ये देखो इन्होंने किया जब वे एक ही पूर्वज की अलग अलग पत्नियों के वंशज हों। वंशज तो भाई सभी कहलाते हैं, जितने भी उसमें हायरार्की में हैं, डिसेंडेंसी में हैं, वो सभी वंशज होते हैं। लेकिन यहाँ पे इसकी राइट ऑप्शन थी सी। व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्ट्रेस बाय डिफरेंट हस्बैंड्स, यानी पत्नी जो है एक होगी और उनकी संतान होनी चाहिए, वंशज नहीं, इसलिए इन्होंने ये सी को ऑप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऑप्शन इनकी गलत है और इसको भी मैंने दुरुस्त कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट कंसीडर्ड एज ए वैलिड कंडीशन फॉर ए हिंदू मैरिज एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इन्होंने ऑप्ट किया बी को, तो ये गलत है इनका आंसर और इसकी राइट ऑप्शन है डी। द पार्टीज शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी, यानी जो पक्षकारों को मिर्गी से पीड़ित नहीं होना चाहिए, ये कोई जो है ना वो कंडीशन नहीं है, इसलिए ये इसकी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने ऑप्ट किया डी को, ये गलत है, इस चैनल वालों से जो है मिस्टेक हुई है और इसकी राइट ऑप्शन है बी। ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल सेपरेशन भी मेंशन है 13(1) में और ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, ये दोनों के लिए, इसलिए 2 and 3 नॉट ओनली 3, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है बी। ये 3 क्वेश्चन ये गलत थे इनके और आगे भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बटल मैरिज इन मुस्लिम लॉ, जो मुस्लिम लॉ है उसमें बटल मैरिज का क्या मतलब है? इसकी राइट ऑप्शन बी ये करेक्ट है, वॉइड मैरिज यानी शून्य विवाह। क्वेश्चन नंबर 7,
वट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज विच मे बी डिजॉल्व बाई द वाइफ अंडर ए पावर डेलीकेटेड टू हर कॉल्ड अंडर द मुस्लिम लॉ। इसको क्या कहेंगे मुस्लिम लॉ में अगर मैरिज डिजॉल्व होगी तो? इसकी राइट ऑप्शन है सी, इसको कहेंगे तलाक के तफवीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हिंदू बॉय एंड ए हिंदू गर्ल मे बी मैरिड अंडर द फॉलोइंग लॉ। यानी हिंदू लड़की है और हिंदू ही लड़का है, वो किस एक्ट के तहत मैरिज करेंगे? वो जो है दी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत भी कर सकते हैं और एक स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 पास हुआ इसके तहत भी कर सकते हैं, इसलिए इसकी राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट द राइट्स इन द कोपार्सनरी प्रॉपर्टी इज मेड अवेलेबल टू ए गर्ल चाइल्ड एज वेल। यानी लड़की को जो संपत्ति का अधिकार दिया गया था वो किस एक्ट के तहत दिया हुआ था? इसकी राइट ऑप्शन सी करेक्ट है, द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, और ये इंदिरा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड बी द एज डिफरेंस बिटवीन द अडॉप्टिव फादर एंड हिज अडॉप्टिव डॉटर फॉर ए वैलिड एडॉप्शन। इसकी राइट ऑप्शन है सी 21 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग केस मे बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रिपोर्टेड केस ऑफ PIL इन इंडिया। इसकी राइट ऑप्शन है बी, हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द PIL इन इंडिया। ये बहुत ही प्रसिद्ध केस है और इसकी राइट ऑप्शन है सी, जस्टिस PN भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ए PIL कैन नॉट बी फाइल्ड। किसके लिए PIL फाइल नहीं हो सकती? अगेंस्ट ए प्राइवेट पार्टी, यानी प्राइवेट पार्टी के खिलाफ PIL कभी फाइल नहीं होती है, गवर्नमेंट के खिलाफ होती है। क्वेश्चन नंबर 14, इन द लाइट ऑफ द गाइडलाइन इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यू ए PIL कैन नॉट बी एंटरटेन्ड बाय द कोर्ट। इसकी राइट ऑप्शन है बी, पिटीशन फ्रॉम जेल फॉर प्री मैच्योर रिलीज। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क केस इट वॉज हेल्ड दैट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वर एप्लीकेबल नॉट ओनली टू जुडिशियल एंड क्वेसी जुडिशियल फंक्शंस बट ऑल्सो टू एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। इसकी राइट ऑप्शन है ए, ये इस जजमेंट में डिसाइड हुआ था प्रिंसिपल, ए के क्रैपक वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैड कम्प्रीहेंसिवली रिकंसिडर्ड SP संपत कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। यानी जो SP संपत कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस था उसको रिकंसिडर करते हुए किस केस में रिकंसिडर किया है, उसके बेस पे डिसीजन दिया? इसकी राइट ऑप्शन है बी, L चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसलिए इनकी जो ये ऑप्शन ए है इन चैनल वालों की गलत है, ये राइट ऑप्शन होनी चाहिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज द लॉ रिलेटिंग टू द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंटल पावर। इसकी राइट ऑप्शन है बी, वेड। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट पेनल्टी इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर पर्सन इलीगली प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट्स अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961। यानी जो वकील नहीं है और अवैध रूप से प्रैक्टिस कर रहा है उसके लिए क्या सजा मुकर्रर की है एडवोकेट एक्ट 1961 के हिसाब से? इसकी राइट ऑप्शन है बी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ। अप टू 6 मंथ का मतलब है 6 महीने तक कोई भी सजा बीच में या 6 महीने जज साहब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविजन ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 इम्पावर्स द बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्विटी टू बी ऑब्जर्व बाई एडवोकेट्स। यानी ये एडवोकेट्स के लिए है, स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हैं प्रोफेशनल कंडक्ट और एक्टिविटी के, और इसकी राइट ऑप्शन है डी, ये मेंशन किया हुआ है सेक्शन 49 में, यानी क्या जो है प्रोफेशनल कंडक्ट है और एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रूल फ्रेम कर रखे हैं वो जो है यहाँ पे बताना है इनकरेक्ट, इन ऑप्शन में से क्या इनकरेक्ट है इनसे यहाँ। इसकी राइट ऑप्शन है ए, एन एडवोकेट कैन प्लीड इन एनी मैटर इन विच इज हिमसेल्फ पेकुनियरली इंटरेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी एक्ट्स एज एन अपीलेट अथॉरिटी अगेंस्ट द ऑर्डर मेड बाय द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोई डिसिप्लिनरी कमेटी है उनकी,
वो किसी एडवोकेट के खिलाफ कोई एक्शन ले लेती है तो उसकी अपील कहाँ होगी? इसकी राइट ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस ए वन पर्सन कंपनी ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी है जो विल मैंडेटरीली गेट कन्वर्टेड इनटू आइदर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, यानी वन पर्सन कंपनी को प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, किस सिचुएशन में? इसकी राइट ऑप्शन है बी, इन केस द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एन ओपीसी एक्सीड्स 50 लाख रुपीज, यानी उसका जो शेयर होगा वो 50 लाख से ज्यादा हो जाएगा तो वो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर ए पब्लिक कंपनी एज पर द कंपनी एक्ट 2013? जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके अनुसार कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर बताने हैं? इसकी राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड एक्सप्लेन द प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल इन डिटेल्स? किस केस में जो ना एहतियाती सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की है? यह आपके चार ऑप्शन इनमें से ये की है। ऑप्शन ए, वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फॉरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इस पार्ट वन का ये लास्ट क्वेश्चन है। हमने 4 पार्ट्स में इस पेपर को सॉल्व किया है। हर पार्ट में 25 क्वेश्चन है। जो लास्ट पार्ट होगा उसके अंदर आंसर की होंगी और ये भी बताएंगे कि किस क्वेश्चंस के अगेंस्ट आप ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहिए, जो कि एआईबी की आंसर की में गलत ले रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंडमार्क केस ऑन विच पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन इन द एनवायरमेंटल लॉ? इसकी राइट ऑप्शन है डी, एमसी मेहता वर्सेज कमलनाथ। ये काफी केसेस हैं, रिपीट होते रहते हैं। गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी ये ऑप्शंस बहुत अच्छी लगी होंगी और आपको हेल्प करेंगी आपका स्कोर डिटरमाइन करने के लिए। और ये आप मान के चलोगे आईबी की ये फाइनल की है एक तरह। हमारी वीडियो को देखने के बाद लाइक कर देना, शेयर कर देना और तीनों चैनल एडू टेक्नो मित्रा, एमजे मित्रा, एडू ला मित्रा को सब्सक्राइब कर देना। हमारी जो अभी दूसरा पार्ट आएगा, 2, 3, 4 तीनों पार्ट को और देखना, आपके पूरे 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।